एक तरफ बिहार सरकार शिक्षा के ऊपर अधिक से अधिक जोर दे रहे हैं, वहीं शिक्षा के ऊपर प्रति वर्ष करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम कानून लागू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत बच्चे को पढ़ने और उनके सुरक्षा के लिए पर्याप्त भवन, 30 बच्चे पर एक शिक्षक, बच्चे को खेलने के लिए मैदान, पुस्तकालय, पेयजल, लड़का और लड़की के लिए अलग अलग शौचालय, इन सारी सुविधाएं शामिल है। बाहर पढ़ने का क्या कारण है, क्यों पढ़ते हैं बाहर? भवन नहीं है। जिला सीतामढ़ी, प्रखंड सोनबरसा, ग्राम पंचायत फतेहपुर। इस गांव में लगभग 4,500 आबादी है, लगभग 850 बच्चे हैं और यहां पर शुरुआत से ही भवन के कमी होने के कारण इनमें से करीब 300 बच्चे को खुले आसमान में पढ़ना पड़ता है, जिसके कारण बच्चे को काफी समस्या हो रही है। बाहर पढ़ने से क्या क्या कष्ट होता है आपको, क्या परेशानी होती है? हम लोग भाग जाते हैं जब गर्मी के समय में, इस पर चींटी चलने लगता है, पर तो गिरता तो काट लेते। बाहर कितने वर्ग का क्लास लगता है? चार गो का। कौन कौन सी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, उससे क्या बच्चे को परेशानी होती है, क्या तकलीफ होती है? तकलीफ होता है वही बच्चा को, किसे जैसे कि माने विद्यालय माने फैली वैली नहीं है, स्कूल माने कमी है, तो स्कूल तो खराबे है, उसमें बारिश होता है तो उसमें पढ़ नहीं पाता है बच्चा लोग को, तो वही लिए बच्चा लोग को परेशानी होता है। आ इस वक्त है तो देखिए अभी उत्तम विद्यालय नहीं होता है तो बाहर बच्चा लोग पढ़ रहा है। वीडियो देखने वाले सारे दर्शकों से अपील करती हूँ कि वह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को इस नंबर पर फोन करें, जो नंबर है 8544412001 पर कॉल करके इस भवन को बनवाने में मेरी मदद करें। मैं गुड्डी, जिला सीतामढ़ी, बिहार, इंडिया अनहट के लिए।